हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द बिटकॉइन बर्नर। सो यार, आज हम बात करने वाले हैं बिटटोरेंट के बारे में। बहुत ज़्यादा बात हो रही है यार, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा राइज करके एक्सप्लोड कर रहा है एंड सब लोग चाहते हैं इसके बारे में बात की जाए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका थोड़ा बहुत प्राइस एनालिसिस, बात करेंगे क्या क्या न्यूज़ आई है लास्ट 24 आवर्स में एंड फ्यूचर में इसका प्राइस कैसा हो सकता है एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करते हैं, सब बताऊंगा इस वीडियो में। सो वीडियो को पूरा देखना एंड एंड तक देखना यार। एंड ऐसे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। सो टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा शुरू करते हैं। आते हैं बिटटोरेंट के चार्ट पे, तो हमको देखने को मिलता है भाई बिटटोरेंट ने 0.012 की वैल्यू अटेन कर ली है। कल का लो था 0.0074 एंड आज 0.014 तक पहुंच चुका है। हायर आज 0.01426 जो कि इसका ऑल टाइम हाई, इसने नया ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया था। आई थिंक 5 आवर्स हुए हैं 0.01426। आप देख सकते हो 11.75% लो है अपने ऑल टाइम हाई से, बट येस 70% अप है लास्ट 24 आवर्स में। मार्केट कैप 70% आप देख सकते हो अप है एंड ट्रेड वॉल्यूम 155% से अप है। अब इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि BTT पे बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया है और येस जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने क्या किया है, कई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने अपना BTT सेल करके प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। जैसे मैंने आज ही एक ये अभी देखा है, आप देख सकते हो 4 मिनट्स पहले हुआ था ये ट्रांजेक्शन, जो कि इतने ज़्यादा देख सकते हो 96 लाख यूएस डॉलर्स का था, जो कि रफली बनते हैं इंडिया में 70 करोड़ रुपए एंड 70 करोड़ रुपीज़ को वन वॉलेट से दूसरे वॉलेट में मूव किया जा रहा है। तो येस, जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं अब वो मूवमेंट करना शुरू कर रही हैं BTT का एंड पॉसिबिलिटी है कि बाइनेंस में, आप देख सकते हो इधर बाइनेंस में भी गया है। सो लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर रहे हैं अब इस पर। बट येस, एक मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जब इसका प्राइस थोड़ा सा नीचे आया तो बहुत सारे लोगों ने एंट्री भी लिया है, क्योंकि BTT का प्राइस पिछले 1 वीक से नीचे गया ही नहीं है। इसने 1 by 1 सारे रेजिस्टेंसेस ब्रेक करके सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं एंड ऊपर गया। आपको पता है कोई भी नहीं सोचता था कि BTT जैसा कॉइन 0.01 इतना जल्दी अटेन कर लेगा, बट येस इसने अटेन किया है। अगर मैं आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पे लेके जाऊँ तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देख सकते हो BTT 11th नंबर पे हो चुका है। कल आई थिंक 21st 22nd पे था एंड BTT 11th नंबर पे हो गया है। एंड अभी थोड़ी देर पहले की बात है जब BTT ने 13 बिलियन USD का मार्केट कैप करके टॉप 10 मतलब 10th क्रिप्टो में था, टॉप नंबर 10 पे आ चुका था। चेन लिंक को भी सरपास कर दिया था इसने। सो काफ़ी ऊपर जा रहा है BTT एंड प्राइस राइज हो रही है। बट येस, अब हमको थोड़ी देर से देखने को मिला है कि प्राइस लो है। कल ऐसा ही हुआ था, कल भी एक टाइम थोड़ा सा बियर आया था, जब बहुत थोड़ा मतलब मैं उसको बियर नहीं कहूँगा, थोड़ा सा नीचे आया था प्राइस एंड उसके बाद क्या हुआ, एकदम राइज करके इतना आगे गया जो कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस टाइम प्राइस आई थिंक 0.0075 के अराउंड था एंड ऊपर जा रहा है। BTT में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है एंड आपको पता ही है एक छोटा सा लेवल जब एक कॉइन आप देख सकते हो ऊपर एक ऑल टाइम हाई रीच करता है तो और ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो यही BTT के साथ ऑब्वियसली हुआ है कि लोगों ने जो हमको ट्रेड वॉल्यूम देखने को मिल रही है, लोगों ने इन्वेस्ट बहुत किया BTT एंड BTT की वैल्यू ऊपर जा रही है एंड अभी भी जाती दिख रही है। अगर हम देखें लास्ट 1 डे का भी चार्ट तो मैं आपको दिखा दूँ, हमने यहाँ पे ऑल टाइम हाई अटेन किया था एंड उसके बाद भी थोड़ा सा ऊपर आया था एंड फिर नीचे गया। बट यस, ऊपर हो रहा है, ये नहीं है कि नीचे बियर्स दिखे। अभी मैं आगे टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूँगा तो यार प्लीज एंड तक ज़रूर देखना, मैं आपको उसमें बताऊँगा टेक्निकल इंडिकेटर्स भी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। आप इधर आए तो अगर मैं टॉप गेनर्स की बात करूँ, BTT हमको नंबर 2 पे देखने को मिलता है विद 70% गेन जिसकी वैल्यू 0.01282 है। तो 12 सेंट तक BTT पहुंच चुका है जो कि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था एंड ऑब्वियसली आप देख सकते हो नीचे ट्रोन 0.013 तक पहुंच गया, 13 पहुंच गया है। बिटटोरेंट आप देख सकते हो, सॉरी गलती होगी, 0.1 सेंट तक पहुँच गया है, तो 1 सेंट तो पहुँच गया। बट हमको अब ये देखना है कि हम BTT का आगे अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आता हूँ मैं इधर, मैंने एक गूगल ट्रेंड्स के चार्ट को स्टडी कर रहा था सुबह, तो मेरे को पता लगा कि BTT का जो इंटरेस्ट ओवर टाइम है ऑल ओवर द वर्ल्ड वेब सर्च पे काफ़ी ज़्यादा हो गया था 31 मार्च को एंड यस थोड़ा सा नीचे जाके एंड अब फिर ऑन अ राइज है 83 बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब कॉइन बहुत ज़्यादा सर्च में है, लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में सर्च कर रहे हैं एंड इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। सो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है, ठीक है ना, कि लोग इसमें इंटरेस्ट अभी भी दिखा रहे हैं एंड ऑब्वियसली इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं आपको और न्यूज़ के बारे में बताऊं तो एक ये निकल के आया था जिसमें हमको देखा है कि हमने BTT इंक्रीज़ हो ही रहा है। क्रिप्टोकरेंसी जो ट्रॉन इकोसिस्टम पे बेस्ड है उसने अपना 0.01 का लेवल ब्रेक किया एंड लास्ट 24 आवर्स में 40% से ज़्यादा ब्रेक करके जो अभी तक की परफॉर्मेंस है, इसने लास्ट 3 मंथ्स में 3200% राइज किया है एंड यस वैल्यू ऊपर ही जाती जा रही है। एंड हम देख सकते हैं पूरा ऑल्टकॉइन सीजन चल रहा है, हमने
ट्रोन को देखा, हमने विन को देखा, ऐसे हमने फाइल कॉइन को देखा, हमने बहुत सारे कॉइन्स को देखा जो ऊपर जा रहे हैं। एंड बिट टोरेंट एक ऐसा कॉइन है जो मार्केट नीचे थी तब भी ऊपर था, एंड अब जब मार्केट थोड़ी ऊपर गई तब भी ये और ज़्यादा पंप हो रहा है, क्योंकि हमको मैंने आपको पहले बताया कि इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने एक तो माइन किया BTT, माइनिंग डिफिकल्टी कम है। एंड उस टाइम ट्रोन के पेज ने ऑफिशियली बताया था कि हमारे 560,000 लोगों से ज़्यादा माइनस हो चुके हैं हमारे, एंड माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है BTT में। एंड वही है, जब माइनिंग ज़्यादा होती है कॉइन की तो क्या होता है, आपके पास जो एक्यूमुलेशन होती है BTT की ज़्यादा हो जाती है, लोग माइन कर लेते हैं तो उनके पास BTT है, वो होल्ड करके जब सेल करेंगे तो उनको ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, तो ये भी है। प्लस बहुत बड़े बड़े लोगों ने, अब होल्डर्स ने डिसाइड किया है कि हम BTT को अब सेव करेंगे, मतलब अभी सेल नहीं करेंगे। एंड ये मैंने को देखने को मिला है, मैंने कल भी एक टाइम पे जब मैं इसको मॉनिटर कर रहा था जब इसकी वैल्यू आई थिंक 0.008 थी, तब भी मेरे को ये देखने को मिला था कि जो ट्रेड वॉल्यूम थी वो 20% से लेस है, मतलब कि यस, लोग पूरा इंटरेस्टेड हैं इसको अभी भी होल्ड करने के। अभी जब ये 1 सेंट्स के ऊपर गया है तब पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है कि अब जो होल्डर्स हैं, जो लॉन्ग टाइम होल्डर्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक व्यूअर है उसने कमेंट किया था कि मैंने BTT 0.03 पैसे पे ख़रीदा था एंड आप देख सकते हो वैल्यू 0.94 हो गई है। तो यस, लोग इंटरेस्टेड ज़रूर हैं एंड 1 रुपी पे मासिव सेल आउट देखने को हमको मिल सकता है, क्योंकि कॉइन की वैल्यू बहुत कम थी। एंड बाकी मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप सब BTT पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो प्लीज़ यार BTT को मॉनिटर ज़रूर करते रहना। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल कर दो, इसका प्राइस अभी ऊपर जा सकता है क्योंकि फुल ऑन पंप है एंड पंप गोइंग ऊपर ही ऊपर है। एंड आगे अब मैं न्यूज़ की भी बात करूँगा तो उसमें आपको मैं और बताऊँगा। हमने के देखने को मिला है प्राइस एनालिसिस में, ये थोड़ा सा 12 घंटे पुराना आर्टिकल है, बट ये इसमें ये मिला है कि 7 डेज इन अ रो अपसाइड गया है एंड श्रग्स ऑफ सेलर, सेलिंग को बिल्कुल पीछे रखा हुआ है। BitTorrent एक NFT जो सेंटीमेंट है, आपको पता है ट्रोन जस्टिन सन है वो NFT में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो ट्रोन के और BTT के CEO है, उन्होंने कितना ज़्यादा मतलब BTT ट्रोन पे इतना ज़्यादा बात की है। एंड ये जो ट्रोन है, ट्रोन ब्लॉकचेन पे ये जो लॉन्च हुआ है, ये जो सारे आपको पता है NFT ट्रोन ब्लॉकचेन पे लॉन्च हुए हैं, तो लोगों ने उसको बाय करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उसमें ट्रोन में इन्वेस्ट किया है, तो ट्रोन का वैल्यू हमको ऊपर देखने को मिला है। बट यस, ये जो चीज़ है, हमको ये बेनिफिट का इसका बूस्ट किस में, BitTorrent में बहुत देखने को मिला है। BitTorrent ऑलरेडी एक पुश पे था एंड ये जो ट्रोन वाला सीन हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली BTT एक ट्रोन इकोसिस्टम का पार्ट है, तो ये जो NFT में ये जो एम्फेसिस जस्टिन सन देते हैं, इसके करके BTT की वैल्यू और ज़्यादा ऊपर जा रही है। एंड जो BTT USD चार्ट है वो पूरा बुलिश दिख रहा है, ये नो डाउट पुराने वाला है बट यस, पूरा बुलिश दिख रहा है। एंड RSI इंडिकेटर 90 रीडिंग दे रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब RSI जो इंडिकेटर है वो बताता है कि कौन सा कॉइन बहुत ज़्यादा बाय हो रहा है या लेस बाय हो रहा है, अगर उसकी वैल्यू 70 के अबव है तो वो ओवर बाइंग है, 30 के नीचे है तो वो ओवर सेल है। तो यस, 70 के ऊपर क्या 90 पे था RSI, विच इंडिकेट्स कि कॉइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय हो रहा है, स्ट्रॉन्ग भी क्या, बहुत एक्सेसिव में बाय हो रहा है। सो सपोर्ट पूरा मिल रहा है, लोग उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड बुलिश पूरा बुल्स देखने को मिल रहे हैं अभी भी हमको BTT पे। एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और ऑल टाइम हाई ब्रेक देखने को मिल सकता है, बट ये आपको पता है मैं सारे एनालिसिस बेसिस पे बोलता हूँ, बट कोई भी चीज़ मैं ये नहीं कह सकता डेफिनेटली सच होगी, टचवुड अभी तक सही हो रही है जैसे एनालिसिस रहा है मेरा, बट हमको ये ज़रूर है कि मैं आपको ये बोलता हूँ इस चीज़ पे ट्रस्ट मत करें। यस, इसको एज अ पॉइंट ज़रूर लेके चलें, बट जो भी BTT पे इन्वेस्टेड है मैं उनको हमेशा यही बोलूँगा कि प्लीज़ BTT पे फोकस रखें, क्योंकि BTT का प्राइस जब सेल ऑफ होगा तो बहुत गंदा नीचे एकदम आ सकता है। बट मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हमने देखा है इसमें कि BTT ने मोर देन 125% का गेन देखा है लास्ट 7 डेज में एंड इसने मोस्टली सारे कॉइन्स को आउट परफॉर्म किया है एंड ऊपर गया, इवन बिटकॉइन का भी जो रैली था इतना लंबा नहीं चला था। एंड ये जो आपको पता है BitTorrent इतना ऊपर जा रहा है, हमको देखने को मिला कि ट्रोन भी इतना ऊपर जा रहा है। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसमें ये JTS हैं, JTS ग्लोबल एंड इनका ये क्रिप्टो कम्युनिटी है, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट एक की है जिसमें हमको देखने मिला है कि ट्रोन सेंचुरी माइनिंग करके BitTorrent, ट्रोन और विंग सेम परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, जो बिटकॉइन ने परफॉर्मेंस दिया उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिली है BitTorrent, ट्रोन और विंक में। आप देख सकते हो तीनों रैंक्ड हैं और तीनों कितना ज़्यादा राइस किए हैं, कितना ज़्यादा लोगों को इन्होंने प्रॉफिट लेके दिया है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ देखने को मिली थी, तो मैंने सोचा आपको इसके आपके साथ शेयर की जाए। देखो तो BTT पे इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम इस पे क्या कह सकते हैं, अभी भी जो अपसाइड दिख रहा है, ठीक है, हम देख सकते हैं ये जो मोमेंटम है, पॉजिटिव मोमेंटम अभी भी फर्दर स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि जब
एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है कि जब बीटीटी का प्राइस थोड़ा सा भी लो आया, जैसे अभी लो आया, जिन अब बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्री जरूर ली है, मैं ये लिख के कह सकता हूँ कि आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, वजीर एक्स एक्सचेंज पे अगर हम बीटीटी की वैल्यू देखें तो 0.95 चल रही है रुपीज में, एंड आप देख सकते हो ट्रेड ट्रेड हिस्ट्री में सेल ऑफ देखने को रेड वाला है और ग्रीन, तो हमको ग्रीन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यही है ऑब्वियसली कि बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस पे, एंट्री ले रहे हैं लोअर पॉइंट पे, ताकि उनको पता है कि पुश पूरा पूरा जारी है एंड यस इसकी वैल्यू ऊपर राइज हो सकती है, एंड बीटीटी का परफॉर्म पूरा बुलिश साइकिल में है, तो हम ये जरूर अज्यूम एक अजम्पशन लगा के जरूर चल सकते हैं कि हमको आने वाले थोड़े टाइम में या आज के दिन या माइट बी कल तक हमको एक इसका देखने को मिल सकता है नया ऑल टाइम हाई, अगर सब कुछ सही रहा, क्योंकि आज 5 अप्रैल है एंड 5 अप्रैल को ट्रॉन माइनिंग का जो ट्रॉन सेंचुरी माइनिंग था उसका सेकेंड पार्ट शुरू होना है, सेकेंड जो उसका सेगमेंट है, तो ट्रॉन की वैल्यू जरूर हाई देखने को मिल सकती है। प्लस आपको पता है उसमें एक कॉइन स्टेक करके 5 रिवॉर्ड मिलने हैं, तो हाँ बिटटॉरेंट भी उन 5 में से एक है, तो यस बिटटॉरेंट भी हमको देखने को मिल सकता है ऊपर, ये मेरा एक अजम्पशन है, क्योंकि पता है मार्केट इवेंट्स का एक कॉइन की प्राइस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो मैं आपको जरूर बोलूँगा इस चीज़ को नोट करके चलना। मेरा कहना ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस पॉइंट पे एंट्री लो, बस जो चीज़ मेरे को समझ आ रही जो एनालिसिस है मेरा, मैं उसके अकॉर्डिंगली कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली एक लोअर पॉइंट ऑफ टाइम जब कॉइन अभी भी पूरा पूरा बुलिश है, तो थोड़ा सा भी जब लो आता है तो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं एंट्री लेने के। सो ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड और देखने को क्या मिला, जो क्या फैक्टर्स हैं जो बीटीटी का प्राइस को, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोलोनियक्स एक्सचेंज पे भी एक स्टेकिंग शुरू हुआ है, जिसमें आप अपने डिपॉजिट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो एसेट को, और आपको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड स्टेकिंग कौन से कॉइंस में मिल रही है, बिटटॉरेंट, ट्रोन और विन तो है ही यार, ये देख सकते हो बिटटॉरेंट, ट्रोन और विन तीनों कॉइंस पे आपको स्टेक करो, आपको रिवॉर्ड मिलेगा होल्डिंग करने के लिए। एक और फैक्टर ये है एनएफटी, मैंने आपको बताया ट्रोन जो है जस्टिन सन वो इतना ज़्यादा एनएफटी पे एम्फोसिस करते हैं कि जो बिटटॉरेंट है, क्योंकि वो भी तो ट्रोन इकोसिस्टम का ही है, तो जौन से कॉइंस ट्रोन इकोसिस्टम पे बेस्ड है जब ट्रोन की प्राइस ऊपर जा रही है तो उनको भी बूस्ट जरूर मिलेगा। एंड जो लास्ट कैटलिस्ट है जो हमको देखने को मिला है बीटीटी का, वो है इसका ट्वीट्स एंड जो टोकन इंक्रीज हो रहा है ऑलमोस्ट 400% से मार्च में, क्योंकि हमको देखने को मिला मिड मार्च से हमको इसका देखने को मिल गया था थोड़ा थोड़ा पंप, एंड अभी तक हो रहा है। एंड जो वॉल्यूम ऑफ ट्वीट्स हो रहे हैं बीटीटी के नाम पे, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो बीटीटी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, एंड आप देख सकते हो बिटकॉइन इज ड्रॉपिंग बट ओके बीटीटी विल कम बैक फास्टर, एंड बीटीटी ट्रिपल माई इन्वेस्टमेंट है, आप देख सकते हो मैग्निफिकेंट 7 एंड बीटीटी ट्रोन का बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब आप देख सकते हो बीटीटी पे नाम पे बहुत ट्वीट्स हो रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, क्योंकि बीटीटी ने ऐसा करके दिखाया तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीटीटी इतना ऊपर जाएगा। एंड देख सकते हो बीटीटी इज ग्रेटर देन ट्रोन, ट्रोन 17th पे है एंड बीटीटी देख सकते हो 11th पे है। सो ये सब चल रहा है, मच मोर रूम फॉर ट्रोन एंड बीटीटी। सो ट्विटर से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, ट्विटर भी एक रीज़न है जिसने इसको और ज़्यादा पंप करने की कोशिश करवा रहा है, एंड यही रहा है। सोशल मीडिया इंटरेस्ट मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे भी कि राइजिंग वेव पे है, मतलब कि सर्च हो रहा है, सर्च वॉल्यूम बढ़ रही है इस कॉइन की। आगे हम बात करें टेक्निकल, एक चीज़ पहले उससे बात कर लेता हूँ कि एक कह रहे हैं कि थोड़ी सी करेक्शन हो सकती है, बट यस पॉजिटिव है, एंड वो कह रहे हैं कि जो सारी चीज़ें हम पॉजिटिव ले सकते हैं, बट हम ये हम रिजेक्ट नहीं कर सकते कि एक सीधी लाइंस नहीं हो सकती, बिल्कुल ही ऊपर ही ऊपर नहीं हो सकती, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। अगर देखो अपसाइड हो तो है, मैंने आपको बोला था ट्रोन का प्राइस अभी नीचे गया है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मार्केट कैप है वो भी थोड़ी हमको रेड को देखने को मिल रही है, हल्के हल्का रेड आना शुरू हो गया, बिटकॉइन का प्राइस नीचे है, पोलकाडॉट कार्डानो और ये नीचे देखने को मिल रहे हैं, एंड वही हम चीज़ थोड़ी सी करेक्शन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि लास्ट 7 डेज के कॉन्स्टेंटली हमको प्राइस ऊपर देखा है, एंड करेक्शन ये नहीं है कि अभी स्टार्ट हो जाएगी, बट जो ये एक्सटेंशन एक होता है पुल बैक्स उसका शुरू होना भी ज़्यादा जल्दी होता है, मतलब आप लगाओ जब एक जब ऊपर जाता है एक्सटेंशन मोमेंटम होगा तो पुल बैक जल्दी हो सकता है, तो जब बट एक ये है एक कभी भी ये फॉल, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी ये फॉल होगा, एक तो लोगों ने एंट्री जिन्होंने ली हुई है पहले से, बहुत जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनको तो प्रॉफिट हेल्दी मिलेगा ही मिलेगा, एंड यस जब प्राइस थोड़ा सा नीचे होगा तो ये क्योंकि डिमांड सर्च में बहुत ज़्यादा है, सो लोग वेट ये भी कर रहे हैं कि प्राइस थोड़ा अगर करेक्ट हो जाए तो हम इसमें एंट्री लेके ऊपर इसको पुश और हो सकता है। सो ये है इसका बीटीटी का सीन जो अभी मार्केट में चल रहा है अकॉर्डिंग टू सारी न्यूज़। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, समरी है बाय,
अभी भी मार्केट में बाय सिग्नल्स बहुत है, मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय सजेस्ट कर रहे हैं, लास्ट वन डे का मैंने लगाया हुआ है। एंड जो ऑस्किलेटर्स हैं वो सेल जरूर सजेस्ट कर रहे हैं, बट ये सिक्स न्यूट्रल्स हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाइंग सिग्नल्स दो हैं, सेल तीन ही है, एंड जो RSI है वो न्यूट्रल है, प्लस सेल सिर्फ ये वाले जो हैं दो ये सजेस्ट कर रहे हैं। एंड यस यहाँ पे विलियम्स परसेंटेज रेंज जो, बट जो जितनी भी सारी मूविंग एवरेजेस हैं ये सारा ही बाय सिग्नल हमको कह रहे सजेस्ट हो रहा है कि बाय सिग्नल मार्केट में अभी भी मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि अभी भी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है। BDT पे लोग जब नीचे आ रहा है इस पर इन्वेस्ट हो रहा है। एंड यस हम एक्सपेक्ट ऑब्वियसली कर ही सकते हैं कि BDT की वैल्यू ऊपर जानी तो है, कि हमने देखा है कि कैसे कैसे थोड़े थोड़े टाइम में हमको ऊपर देखने को मिल रहा है, ये ऑल टाइम हाई हर दिन एक ब्रेक हो रहा है कुछ दिनों से। आप देख सकते हो 4 आवर्स के चार्ट पे, 4 आवर्स के हिसाब से देखें तो समरी बाय है, ऑसिलेटर्स यहाँ पे न्यूट्रल हो जाते हैं, मूविंग एवरेजेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय सजेस्ट कर रही है। RSI ज़रूर सेल सजेस्ट कर रहा है, बट यस मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय है। एंड अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूँ, ऑसिलेटर्स भी बाय पे, मूविंग एवरेजेस भी बाय पे, एंड समरी भी बाय पे, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम बिटफिनेक्स एक्सचेंज का, ठीक है ना, उसको लेके, तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि अभी भी मार्केट में जो सारी चीज़ें हैं वो बाय सजेस्ट कर रही हैं, लोग इन्वेस्ट करने को पूरा पूरा है। वही चीज़ जो मैंने आपको बोला, करेक्शन से बाय होगी, जितना करेक्शन से लोगों को थोड़ा थोड़ा सा लोअर पॉइंट मिलेगा एंट्री लेने के लिए, बाइंग होगी। तो यही सारा था यार, सारा BDT का क्रक्स मैंने आपको सारा बता दिया यार, जितना भी था BDT के बारे। बाकी यार आपको पता ही है हम अपडेट्स आपको इस चैनल पर देते रहते हैं, सो आपको ये तो नहीं होना चाहिए कि मैं अपडेट नहीं देता। प्रॉपर अपडेटेड प्रॉपर सारे आर्टिकल्स लगा के मैंने आपको अपडेट दिया, स्टडी करके, पूरी थोरो स्टडी है। एंड यार यही था इस वीडियो का सारा, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दो लाइक, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनको बताओ BDT का क्या स्टैट चल रहा है मार्केट में। यस यार वीडियो पसंद आई है, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल पे आओ, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स का सबसे पहले आपको पता चले। डेली बेसिस पे यार हम क्रिप्टो एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर क्रिप्टो एनालिसिस करते हैं यार हम, ये भी नहीं कि छोटा मोटा। सो बस उम्मीद करता हूँ आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए सी या।